गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर सेकेंड लेसन फ्रॉम योर बीहाइव बुक एंड द नेम ऑफ योर सेकेंड लेसन इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड द ऑथर नेम इज डेबोरा काउले एंड दिस इज योर सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन वी हैव ऑलरेडी रीड। ये जो आपका लेसन है जिसका नाम है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। द सहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान, तो ये इस लेसन का नाम है। और ये किसके बारे में है? बिस्मिल्ला खान के बारे में है, उनकी सहनाई के बारे में है। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। थिंक ऑफ द सहनाई, थिंक ऑफ द सहनाई, यानी सहनाई के बारे में सोचो। थिंक ऑफ द सहनाई, सहनाई के बारे में सोचो। ये जो आपको ऊपर जो फोटो दिखाई दे रही है, इसमें जो सबसे लास्ट का जो फोटो है वो उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में है। ये जो फोटो हैं इनमें कौन कौन, मतलब कौन सा यंत्र बजा रहे हैं, इन सभी के बारे में भी हम आपको जो है बताएंगे। तो थिंक ऑफ द सहनाई, सहनाई के बारे में सोचो। एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, और पहली बात, एंड द फर्स्ट थिंग जो सबसे पहली बात है, यू विल प्रोबेबली इमेजिन, जिसको शायद तुम जिसकी कल्पना करोगे। द फर्स्ट थिंग सबसे पहली बात, यू विल प्रोबेबली शायद जिसकी तुम इमेजिन यानी कल्पना करना। तो सहनाई के बारे में जब आप सोचोगे तो सबसे पहली बात तुम किसकी कल्पना करोगे? इज ए वेडिंग, तो आप शादी के बारे में शादी की कल्पना कर सकते हैं भाई, ऐसा ऐसे सहनाई शादी में बजाई जाती होगी। और ए सिमिलर ओकेजन, या ऐसे ही किसी अवसर पर बजाई जाती होगी। और ए और फंक्शंस, या किसी कार्यक्रम में इसको बजाया जाता होगा। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली, और अगली जो बात है, अगली बारे में किसके बारे में सोचोगे आप? बी उस्ताद बिस्मिल्ला खान, तो अगली बारे में आप किसकी कल्पना करोगे? उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में यहाँ पे संभवतः सोचोगे। द सेनाई, द सेनाई माइस्ट्रो, द सेनाई माइस्ट्रो, वे सेनाई के प्रमुख वादक थे। बिस्मिल्ला खान कौन थे? बिस्मिल्ला खान जो सेनाई के क्या थे? प्रमुख वादक थे। जो सबसे लास्ट फोटो दिखाया गया है वो किसके बारे में है? वो उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में है। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, वो सेनाई को बजाते थे। तो सेनाई माइस्ट्रो जो किसको कहा गया है? माइस्ट्रो क्या होता है? वादक। तो सबसे जो भी वादक थे, सेनाई के जो वादक थे, उनका नाम क्या बताया गया है? उस्ताद बिस्मिल्ला खान, यानी उनको उस्ताद की उपाधि दी गई थी। एम्परर औरंगजेब, जो सम्राट था, जो एम्परर था, जो राजा था औरंगजेब, बैंड कर दिया था, अभी पाबंदी लगा दी थी। द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, जो प्रसिद्ध जो वाद्य यंत्र था, कॉल्ड पुंगी, जिसको पुंगी कहा जाता था, जो पुंगी नामक वाद्य यंत्र था, उसको बजाने की किसने पाबंदी लगा दी थी? औरंगजेब ने पाबंदी लगा दी थी। इन द रॉयल रेजिडेंस, रॉयल रेजिडेंस का मतलब शाही आवास, जो राजा का जो महल होता है, उस महल में भाई इसको पुंगी को नहीं बजाया जाए, तो पुंगी बजाने पर किसने पाबंदी लगा दी थी? औरंगजेब ने पाबंदी लगा दी थी। क्यों लगा दी थी? फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि जो इसकी साउंड थी ना वो कैसी थी? काफ़ी श्रिल थी, काफ़ी तीखी थी, काफ़ी तीखी आवाज़ थी, चुभने वाली आवाज़ थी, अनप्लीजेंट साउंड, और काफ़ी असुखद आवाज़ थी। अनप्लीजेंट साउंड, जो सुनने में सुखद नहीं लगती हो, उसको क्या कहते हैं? अनप्लीजेंट साउंड। तो ये जो साउंड थी कैसी थी? अनप्लीजेंट थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम, और पुंगी क्या बन गया था? एक सामूहिक नाम बन गया था। पुंगी क्या बन गया था? एक जेनरिक नेम बन गया था, एक सामूहिक नाम बन गया था। जेनरिक होता है समूह, सामूहिक। फॉर रीडिड नॉइज मेकर, यानी ऐसे ऐसा संगीत, रीडिड, रीडिड होता है एक तरह से, रीड बांसुरी को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रीड क्या है? हवा के द्वारा बजने वाला वाद्य यंत्र, रीड, जिसमें जैसे फूंक मारते हैं, फूंक भरते हैं,
और जब वो नॉइज़ मेकर यानी शोर करने वाला जब उसे फूंक मारते हैं तो उससे शोर उत्पन्न होता है। तो यह है क्या था भाई, पुंगी किसको कहा गया है? पुंगी एक ऐसा सामूहिक नाम था, ऐसे जो वाद्य यंत्र थे तो उन्हीं वाद्य यंत्रों में से एक नाम था जो कि हवा के द्वारा बजते थे, जब उन्हें फूंक मारते थे तो उनसे क्या होती थी, आवाज़ होती थी, तो रेडियन नॉइज मेकर। तो ऐसे वाद्य यंत्र थे जिसमें जब फूंक मारते थे तो क्या होता था, आवाज़ होती थी। फीव हैड ठोट, फीव हैड ठोट भी किसी ने भी नहीं सोचा था, अगर ए फीव लगा देंगे तो भी कुछ होने सोचा था, लेकिन यहाँ पर फीव के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाया गया, इसका मतलब भी किसी ने भी नहीं सोचा था। फीव हैड ठोट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव, यानी एक दिन इसको फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, एक दिन पुंगी को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, संगीत को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। ए बार बार एक नाई था ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, जो कि पेशेवर संगीतज्ञों के परिवार से संबंध रखता था। एक नाई किससे संबंध रखता था, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस जो पेशेवर संगीतज्ञ होते हैं तो उनके परिवार से कौन संबंध रखता था, एक नाई। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और जिसकी पहुंच कहां तक थी, उस नाई की पहुंच कहां तक थी, रॉयल पैलेस यानी जो राजा का जो महल होता है, जो शाही महल होता है, वहां तक तो उस नाई की पहुंच थी, यानी वो शाही महल में राजा के महल में आता जाता था। कौन आता जाता था, वो बार बार आता जाता था, जो किससे संबंध रखता था, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस होते हैं, जो पेशेवर संगीतकार होते हैं, तो उनके परिवार से वो संबंध रखता था वो नाई। डिसाइडेड, उसने क्या फैसला किया, क्या निश्चय किया उस नाई ने, टू इम्प्रूव भी मेरे को सुधारना है, द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, यानी जो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, जो उसकी टोन है, जो उसकी आवाज़ है, मैंने उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, मैंने इसकी क्वालिटी को क्या करना है, मैंने इम्प्रूव करना है, मैंने इसकी आवाज़ को क्या करना है, मैंने सुधारना है। ही चोज ए पाइप, तो उस बार्बर ने क्या चुना, उसने एक पाइप चुना, विद ए नेचुरल होलो स्टीम, जिसका जो तना था, जो स्टीम होता है, वो कैसा था, होलो, यानी उसका तना जो है, एक ऐसी पाइप चुनी जिसका तना अंदर से क्या था, खोखला था। डैट वॉज लोंगर, और वो ज़्यादा लंबी भी थी, डैट वॉज लोंगर एंड ब्रॉडर, और ज़्यादा चौड़ी भी थी देन द पुंगी। अगर आप डिफरेंस बताएं पुंगी में और जो यहाँ पर क्या बताया गया है, सहनाई, इन दोनों में आप डिफरेंस बताएंगे तो ये जो है सहनाई, जो पुंगी से सहनाई जो है ज़्यादा इसकी लंबाई भी होती है, ये ज़्यादा लंबी होती है, लोंगर होती है एंड ब्रॉडर, और ज़्यादा चौड़ी भी होती है, यानी जो इसका तना होता है वो पुंगी से क्या होता है, ज़्यादा लंबा भी होता है एंड ब्रॉडर ज़्यादा चौड़ा भी होता है पुंगी की बजाय। एंड मेड सेवन होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उसने क्या किया नाई ने, जो ये होलो स्टीम था, जो ये खोखला तना था, जो ये पाइप थी, इसमें उसने सेवन होल्स बना दिए, सात छिद्र कर दिए, सात छेद कर दिए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, ये जो पाइप थी इसमें कितने छेद कर दिए उसने, बार्बर ने सेवन होल कर दिए, सात छेद कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब इसने इसको बजाया, व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो जो सात छिद्र थे उनमें से कुछ होल्स को वो बजाते वक्त बंद कर देता, किसी पे उंगली रख लेता और किसी को वो ओपन कर देता, तो ऐसा करने से क्या होता, सॉफ्ट यानी कोमल एंड मेलोडियस साउंड्स, और बड़ी ही मधुर आवाज़, सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल एंड मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो कैसी आवाज़ उत्पन्न हुई है, जो काफ़ी कोमल और मधुर आवाज़ इससे क्या हुई, उत्पन्न हुई। ये जो पहरा जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे जो हमने स्टार्टिंग जो की है आपका, ये जो पहरा है एम्परर औरंगजेब से लेकर के, और जहाँ पर ये पहरा जो है क्लोज होगा वहाँ तक आपका एक ऐसे तक क्वेश्चन भी बन जाता है, तो वो आपको याद करना है। अभी जो सहनाई है, अभी सहनाई का जो ओरिजिन है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका इसे बन जाएगा। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने इस इंस्ट्रूमेंट को, उसने इस यंत्र को, किसने, बार्बर ने, बिफोर रॉयल्टी, तो राजा के दरबार में, राजा के महल में इसको बजाया, राजा के दरबार में इसको बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और जितने भी व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए थे वे सारे इससे क्या हो गए, इम्प्रेस्ड हो गए, सारे इससे प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट, जो ये वाद्य यंत्र था, सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये पुंगी से इतना ज़्यादा भिन्न था,
हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, किसको एक नया नाम दे दिया गया। ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये जो वाद्य यंत्र था, ये पुंगी से इतना ज़्यादा भिन्न था, टू बी गिवन ए न्यू नेम, यानी इसको क्या देना पड़ा भाई, इसका एक नया नाम देना पड़ा। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी बताती है, एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, क्योंकि पहली बार इसको कहाँ बजाया गया था, शाह चैम्बर यानी शाह के कक्ष में, राजा के महल में, शाह राजा को कहते हैं, क्योंकि इसको पहली बार राजा के महल में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और किसके द्वारा बजाया गया था, प्लेड बाई ए नाई यानी एक बारबर के द्वारा, एक नाई के द्वारा इसको बजाया गया था। तो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द सहनाई, तो इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम रख दिया गया, सहनाई, सह मीन्स राजा और बजाया किसने, नाई ने, तो इसका नाम क्या रखा गया, सहनाई नाम रखा गया। तो जो पहला पैरा हमने पढ़ा है, इसमें से आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन बन जाता है, तो ये सारा पैरा ही आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन में लिखा जाता है, बड़े प्रश्न में आ जाता है। अब आप दोनों में देखो डिफरेंस देख सकते हो भाई, पुंगी कैसी होती है और सहनाई कैसी होती है, आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों में अंतर देख सकते हैं भाई, ये दोनों में क्या अंतर है। तो पुंगी से तो कैसी साउंड निकलती थी, काफ़ी श्रील, काफ़ी तीखी जो ध्वनि है वो इससे निकलती थी, तो इसलिए क्या किया, औरंगजेब ने इसको बैन कर दिया था, औरंगजेब ने इसके बजाने पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन सहनाई से कैसी सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स प्रोड्यूस होती थी, यानी कैसी आवाज़ निकलती थी, बड़ी ही कोमल और मधुर आवाज़ इससे निकलती थी, इसलिए इसको फिर से भी बजाने की इजाज़त दे दी गई थी। द साउंड ऑफ द सहनाई, तो जो सहनाई की जो आवाज़ थी, बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, तो उसको बड़ा ही क्या समझा जाता था, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब था शुभ, तो सहनाई की आवाज़ को क्या समझा जाता था, कंसीडर्ड, कंसीडर का मतलब सोचना समझना, कैसा समझा जाता था, क्या समझा जाता था उसके बारे में, भाई ये ऑस्पिशियस, ये बड़ी ही शुभ है। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण की वजह से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, तो इसको अभी भी कहाँ बजाया जाता है, इसको अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट, और ये बहुत ही क्या है, इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट है, ये बड़ा ही अति आवश्यक अंग है, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, किसी भी उत्तर भारतीय शादी, यानी उत्तर में, भारत के उत्तर में जितनी भी शादियाँ होती हैं, तो उन सभी शादियों में इसको क्या माना जाता है, इंडिस्पेंसेबल यानी बहुत ही आवश्यक माना जाता है। कॉम्पोनेंट अंग को कहते हैं, हिस्से को कहते हैं, यानी उत्तर भारत में जितनी भी शादियाँ होती हैं, तो उन सभी में सहनाई को जरूर बजाया जाता था। उत्तर भारत की जितनी भी शादियाँ होती थी, उनमें किसको बजाया जाता था, किसको बजाना अनिवार्य था, भाई सहनाई को बजाना बड़ा ही आवश्यक समझा जाता था। इन द पास्ट, अतीत में, द सहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, जो सहनाई है वो किसका हिस्सा होती थी, नौबत का। नौबत यहाँ पर नौ वाद्य यंत्रों को कहा गया है, इन नौबत में कितने वाद्य यंत्र आते थे, नौ, तो नौ वाद्य यंत्रों में से सहनाई भी एक थी। और ट्रेडिशनल एंसेम्बल, ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत तौर पर, एंसेम्बल का मतलब होता है शामिल करना, एंसेम्बल का मतलब शामिल करना, ऑफ नाइन पार्ट्स ऑफ द नाइन इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, तो राजा के दरबार में जो नौ वाद्य यंत्र होते थे, तो नौ वाद्य यंत्रों में किसको शामिल किया गया था, नौ वाद्य यंत्रों में किसको शामिल किया गया था, सहनाई को शामिल किया गया था। तो जितने भी नौ वाद्य यंत्र थे, उन नौ वाद्य यंत्रों में किसको शामिल किया गया था, सहनाई को शामिल किया गया था। फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स, यानी राजा के दरबार में जो वाद्य यंत्र थे, तो जो नौ वाद्य यंत्र थे, उनमें एक स्थान किसका था, सहनाई का। टिल रिसेंटली, हाल तक, हाल ही में, टिल रिसेंटली, हाल ही में, इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स, यानी हाल में इसको कहाँ प्रयोग किया जाता है, वर्तमान में इसको कहाँ प्रयोग किया जाता है, टेम्पल्स भाई मंदिरों में, एंड वेडिंग शादी समारोह में भी इसको यूज किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, तो द क्रेडिटेड, क्रेडिट का मतलब होता है सरे, द क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है सरे, फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को, इस वाद्य यंत्र को कहाँ तक ले आने का सरे, क्लासिकल स्टेज तक, इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल यानी जो शास्त्रीय जो मंच होता है वहाँ तक लाने का सरे किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान को जाता है।
उस्ताद बिस्मिल्ला खान इसको कहाँ तक लेकर के आए हैं? उस्ताद बिस्मिल्ला खान इसको क्लासिकल स्टेज तक लेकर के आए हैं। तो शास्त्रीय मंच तक इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्ला खान को जाता है। एज ए फाइव ईयर्स ओल्ड यानी जब बिस्मिल्ला खान 5 वर्ष के थे। एज ए फाइव ईयर्स ओल्ड बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा। तो बिस्मिल्ला खान जो है वो क्या खेला करते थे? गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर ए पौंड एक तालाब के पास में इन द एंशंट एस्टेट ऑफ डूमाराव। तो डूमाराव का जो प्राचीन जो राज्य है जो डूमाराव का जो प्राचीन एस्टेट है जो प्रांत है कहाँ पर है? डूमाराव कहाँ पर है? बिहार में। तो बिहार के डूमाराव प्रांत में, बिहार के डूमाराव प्रांत में एक तालाब था। तो वहाँ पर बिस्मिल्ला खान क्या खेला करते थे? तो ये 5 वर्ष के थे तब तो वे क्या खेला करते थे? गिली डंडा खेला करते थे। ही वुड, आपको पता चल गया होगा भाई डूमाराव प्रांत कहाँ पर है। ये डूमाराव बिहार में है। तो बिहार का में है और वहाँ पर एक तालाब था जहाँ पर बिस्मिल्ला खान जो वे 5 वर्ष के थे क्या खेला करते थे? गिली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। ही वुड रेगुलरली, वे नियमित, रेगुलर होता है नियमित यानी जो रोजाना हम किसी काम को करते हैं वो रेगुलर होता है। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। तो वो पास में ही जो बिहारी जी का जो टेम्पल था तो वे वहाँ पर जाते थे। कौन जाते थे? बिस्मिल्ला खान जाते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता। तो भोजपुरी चैता को गाने के लिए वे बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे। चैता एक गीत होता है जो चैत्र मास में गाया जाता है। चैता क्या होता है? भोजपुरी चैता किसको कहा गया है? चैत मास में गाया जाने वाला एक गीत होता है। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू। और जब वो गीत को पूरा कर लेते थे तो उन्हें एक बड़ा लड्डू मिलता था वेइंग 1.25 kg जिसका वजन कितना होता था? 1.25 किलो। सवा किलो का लड्डू उनको उपहार स्वरूप दिया जाता था। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। तो जहाँ भोजपुर का जो स्थानीय महाराजा था वो उसको उपहार के तौर पर, इनाम के तौर पर क्या देता था? भाई 1.25 किलो का लड्डू उसको मिलता था। किसको मिलता था? बिस्मिल्ला खान को मिलता था। दिस हैपन्ड 80 ईयर्स एगो। ऐसा कितने वर्षों पहले हुआ? ऐसा 80 वर्षों पहले हुआ। एंड द लिटिल बॉय, और ये जो छोटा बच्चा था हैज ट्रेवल्ड फार, वो बहुत ही दूरी तक यात्रा उसने की है टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन इंडिया। तो भारत का जो महान जो नागरिक सम्मान है तो उसको प्राप्त करने के लिए उसने बड़ी दूरी तक यात्रा की। यानी शुरुआत कहाँ से की थी? तो जो भोजपुर में जो बिहारी जी का टेम्पल है तो वहाँ से उसने अपनी शुरुआत की थी। और वे कहाँ तक पहुँच गए? यानी भारत का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान समझा जाता है जिसको भारत रत्न कहते हैं, तो भारत रत्न की उनको प्राप्ति हुई है। और कब प्राप्ति हुई है? 2001 में उसको भारत रत्न के जो अवार्ड है तो उस भारत रत्न के अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न के अवार्ड से उनको कब सम्मानित किया गया है? 2001 में उनको किस रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न के का जो सम्मान है तो उस सम्मान से उनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। तो इसी के बारे में विश्व उस्ताद जो बिस्मिल्ला खान थे तो इनको जो बचपन में क्या कहा जाता था? उस्ताद कमरुद्दीन, उस्ताद कमरुद्दीन बिस्मिल्ला खान। इनका बचपन का क्या नाम था? उस्ताद कमरुद्दीन, उस्ताद कमरुद्दीन तो बिस्मिल्ला खान ही उनका नाम था। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को। 21 मार्च 1916 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 21 अगस्त 2006 में, 21 अगस्त 2006 में इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। और इनको बचपन में जब इनका जन्म हुआ था तो इनको कमरुद्दीन के नाम, कमरुद्दीन खान के नाम से जाना जाता था। और बाद में इसका उनको उपाधि दी गई है, जब ये शहनाई बजाने लगे तो इनको उस्ताद की उपाधि दी गई थी। तो इन्हीं को श्रेय जाता है, इस शहनाई को प्रसिद्ध, शहनाई को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्ला खान को जाता है। और जो इनका जन्म हुआ है, जन्म हुआ कब बताया गया? अभी इनका जन्म कब हुआ? 21 मार्च 1916 को। कहाँ पर जन्म हुआ? डूमाराव में इनका जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? डूमाराव में इनका जन्म हुआ। डूमाराव कहाँ पड़ता है?
बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। डुमाराव जो गांव है वो कहाँ पड़ता है? बक्सर जिले में पड़ता है, और बक्सर जिला कहाँ पर है? बिहार में पड़ता है। तो अब हमें पता चल गया है भी बिहार के बक्सर जिले के डुमाराव गांव में इनका जन्म कब हुआ है। 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु कब हुई है? 21 अगस्त 2006 को, 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की उम्र में वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसको बनारस भी कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु कब हुई है? 21 अगस्त 2006 में इनकी मृत्यु हुई है। ये बातें हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो अब हमें ये पता चल गया है भी इन्हें जो है भारत रत्न जो पुरस्कार है, तो भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है? तो 2001 में इनको भारत रत्न के जो पुरस्कार है वो, तो उस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इसके बाद है बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, तो इनका जन्म कब हुआ? 21 मार्च 1916 को जन्म हुआ। बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, तो बिस्मिल्ला खान जो थे वे संगीतज्ञों के, जो बिहार में जो इनका जो परिवार था वो संगीतज्ञों परिवार से जाना जाता था, तो इनका एक प्रसिद्ध संगीतज्ञों का परिवार था, तो उस परिवार से बिस्मिल्ला खान संबंध रखते थे, तो इनका परिवार जो है संगीतज्ञों के नाम से प्रसिद्ध था। हिज ग्रांड फादर, इसके दादाजी का क्या नाम था? रसूल बख्श खान। इनके दादाजी का क्या नाम था? रसूल बख्श खान। वाज द सहनाई नवाज, वे क्या थे? वे सहनाई नवाज थे, सहनाई नवाज थे। बिस्मिल्ला खान ये जो दादा थे वे क्या थे? सहनाई नवाज। सहनाई नवाज वो होता है ऐसा व्यक्ति जो बांसुरी या मुरली बजाने का काम करता है। सहनाई नवाज कौन होता है? जो बांसुरी या मुरली बजाने का काम करता है। कहाँ पर मुरली बजाता था इसका दादाजी? तो जो भोजपुर का जो राजा था उसके दरबार में बांसुरी या मुरली बजाने का काम कौन करता था? रसूल बख्श खान। रसूल बख्श खान कौन था? इनका दादा था। किसका दादा था? बिस्मिल्ला खान का। तो हमें इसके दादाजी का नाम पता चल गया। क्या नाम था इसके दादा का? रसूल बख्श खान। हिज फादर, उसके पापा का क्या नाम था? पैगंबर बख्श। तो बिस्मिल्ला खान के पापा का क्या नाम था? पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और इसके अलावा जो इसके पैतृक जो पूर्वज थे, पैटर्नल पैतृक को कहते हैं, एंसेस्टर पूर्वजों को कहते हैं, वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स, वे भी सहनाई के महान वादक थे, वे भी सहनाई को बजाने वाले एक महान वादक थे। तो इनका सारा का सारा परिवार जो है संगीतज्ञों का परिवार कहलाता था, यानी सारे ही संगीतज्ञ थे, सभी संगीत में रुचि थी सभी की। इनके दादा, इनके पापा, इनके दूसरे पूर्वज भी संगीत में रुचि रखते थे। क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, तो इस युवा बच्चे ने संगीत को शुरुआत से ही अपने जीवन में धारण कर लिया था। द यंग बॉय, जो ये युवा बच्चा था, टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, तो जीवन के शुरुआत में ही इसने संगीत को अपने जीवन में अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3, भी कितने वर्ष की अवस्था से इसने संगीत को अपने जीवन में धारण कर लिया था? एट द एज ऑफ 3, वे 3 वर्ष के थे। एट द एज ऑफ 3, जब बिस्मिल्ला खान 3 वर्ष के थे तभी इसने इन्होंने संगीत को अपने जीवन में अपना लिया था। वैन हिज मदर, जब उसकी मम्मी, जब बिस्मिल्ला खान की मम्मी टुक हिम, उसको ले करके गई, टू हिज मैटरनल अंकल हाउस, उसके मामा जी के घर पर, जब उसकी मम्मी उसको उसके मामा जी के घर पर ले करके गई है, कहाँ था उसके मामा जी का घर? बनारस में। और बनारस को अब किस नाम से जाना जाता है? बनारस को अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस, बिस्मिल्ला खान ने जब अपने मामा को प्रैक्टिस यानी भाई अभ्यास करते देखा, बिस्मिल्ला खान ने जब अपने मामा को प्रैक्टिस यानी अभ्यास करते हुए वॉचिंग जब देखा तो वे क्या हो गए? फैसिनेटेड हो गए। तो वे क्या हो गए? मोहित हो गए, आकर्षित हो गए। अपने मामा को जब उन्होंने संगीत बजाते हुए देखा तो उनके संगीत को देख कर क्या हो गए? फैसिनेटेड हो गए, आकर्षित हो गए उसके प्रति। द सहनाई, यानी किस चीज़ को बजा रहे थे? वे सहनाई को बजा रहे थे। सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड एकम्पेनिंग हिम, एकम्पेनिंग का मतलब होता है भी साथ जाना, तो जल्दी बिस्मिल्ला खान भी अपने मामा के साथ में जाने लगे। तो उनके अंकल का, उनके मामा का क्या नाम था? अली बख्श। तो अली बख्श क्या कौन थे? बिस्मिल्ला
बिस्मिल्ला खान के मामा थे, तो अपने मामा के साथ उन्होंने जाना शुरू कर दिया। कहाँ जाना शुरू कर दिया? टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, यानी बनारस के विष्णु टेम्पल में जाना उन्होंने शुरू कर दिया। इनके मामा कहाँ के थे? बनारस के। बनारस कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो बनारस में का जो विष्णु टेम्पल है, जो विष्णु भगवान का मंदिर था, वहाँ पर वे अपने मामा के साथ जाने लगे। इनके मामा क्या नाम है? अली बख्स। वेयर बख्स वॉज एम्प्लॉयड, जहाँ बख्स को नियुक्त किया गया था, टू प्ले द सहनाई, भी आपको इस मंदिर में सहनाई बजानी है, तो सहनाई बजाने की नौकरी उनको दी गई थी, ये आपको इस विष्णु मंदिर में क्या करना है, सहनाई बजानी है। अली बख्स वुड प्ले द सहनाई, अली बख्स जो है क्या करते थे, सहनाई बजाते थे। एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड, और बिस्मिल्ला बैठ करके उनको देखते रहते थे। कैप्टिवेटेड का मतलब होता है मोहित होकर के। फोर आवर्स ऑन एंड, कई घंटे तक, जब तक वो बजाना बंद नहीं कर देते थे, तो जब तक उनको लगातार देखते रहते थे। किसको देखते रहते थे? अली बख्स को। अली बख्स कौन थे? उसके मामा जी थे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग, यानी उनको भी संगीत की शिक्षा दी जाने लगी। किसको? बिस्मिल्ला खान को। द इंस्ट्रूमेंट, यानी वे भी इस यंत्र को बजाने की शिक्षा ग्रहण करने लगे। एंड वुड सिट प्रैक्टाइजिंग थ्रू द डे, और वो सारा दिन इसका अभ्यास करते रहते थे, और वो बैठ कर वहीं पर सारे दिन ने अभ्यास करते रहते थे। फोर ईयर्स टू कम, तो आने वाले वर्षों में, फोर ईयर्स टू कम, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, तो बालाजी का टेम्पल और मंगला मैया का जो मंदिर था, ये दोनों मंदिर, बालाजी का और मंगला मैया का जो मंदिर था, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा नदी का जो बैंक था, गंगा नदी का जो क्या था, बैंक यानी किनारा, तो कहाँ वे सहनाई बजाते थे, बालाजी का जो टेम्पल था, मंगला मैया का जो टेम्पल था, और गंगा जो नदी थी उसका जो किनारा था, कहाँ पर? बनारस में। बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्स, तो ये इसकी मनपसंद जगह बन गई थी। इस यंग अप्रेंटिस, जो ये युवा जो प्रशिक्षु था, अप्रेंटिस कहते हैं शिष्य किसका था? अली बख्स का। अली बख्स कौन थे? इसके मामा थे। तो ये क्या था, ये जो युवा अप्रेंटिस था, ये फेवरेट हॉर्ट्स बन गए थे, ये मनपसंद जगह बन गई थी। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड, जहाँ वो एकांत में संगीत का क्या कर सकता था, अभ्यास कर सकता था। तो उसने अपने संगीत का अभ्यास कहाँ कहाँ किया? बिस्मिल्ला खान ने बालाजी के टेम्पल में, मंगला मैया के टेम्पल में, और गंगा नदी के किनारे पर। उसने ये क्या थे, उसके मनपसंद हॉर्ट्स थे, मनपसंद जगह थी, मनपसंद अड्डा था ये उसका, जहाँ वो क्या करता था, एकांत में, सोलिट्यूड एकांत को कहते हैं, ही कुड प्रैक्टाइज, जहाँ वो अभ्यास कर सकता था। किस चीज़ का अभ्यास? सहनाई को बजाने का अभ्यास। तो ये उसकी मनपसंद जगह बन गई थी। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, तो गंगा का बहता हुआ पानी, द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड हिम, उसको प्रेरित करता था, टू इम्प्रोवाइज, यानी वो बिना किसी तैयारी के गीत रचना कर देता था। कौन कर देता था? उस्ताद बिस्मिल्ला खान। इम्प्रोवाइज का मतलब बिना तैयारी के ही गीतों की रचना करना। इन्वेंट राग रागाज, जो नए नए राग हैं उनकी रचना कर देता था। डेट वर अर्लियर कंसीडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, जिनको पहले सहनाई की रेंज से बाहर समझा जाता था, तो उन रागों की भी वो कौन कर देता था, रचना कर देता था। कंसीडर का मतलब समझना, बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, सहनाई के दायरे से परे, तो जिन रागों को पहले सहनाई के दायरे से परे समझा जाता था, तो उन रागों की रचना कौन कर देता था, उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने कर देता था। एट द एज ऑफ 14, जब उनकी आयु 14 वर्ष हुई, जब बिस्मिल्ला खान की आयु 14 वर्ष हुई, बिस्मिल्ला एकम्पेंड हिज अंकल, तो बिस्मिल्ला खान अपने मामा के साथ गया, कहाँ गया है, टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, जो इलाहाबाद की जो संगीत सभा थी, तो वहाँ पर वो अपने मामा के साथ, अली बख्स के साथ गया। जब उसमें उसकी उम्र कितनी थी, 14 वर्ष थी। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और जब उसने अपने संगीत को बजाना बंद किया, तो उस्ताद फयाज़ खान, जो उसके उस्ताद थे फयाज़ खान, पैटेड द यंग बॉय बैग, तो उस युवा बच्चे की पीठ को थपथपाया। किसकी पीठ को थपथपाया? बिस्मिल्ला खान की पीठ को थपथपाया। एंड सैड, और किसने कहा, उस्ताद फयाज़ खान ने किसके बारे में कहा, बिस्मिल्ला खान के बारे में कहा। तो क्या हुआ भाई, उस्ताद फयाज़ खान जो थे
पैटेड द यंग बॉय बैक, तो उन्होंने युवा बच्चे की पीठ को क्या किया, थपथपाया। उस्ताद फयाज खान ने क्या किया, पैटेड द यंग बॉयज बैक, उस युवा बच्चे की पीठ को थपथपाया। किसकी पीठ को थपथपाया, उस्ताद बिस्मिल्ला खान की पीठ को थपथपाया। एंड सैड, और क्या कहा, वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, आप इस क्षेत्र में नाम कमाओगे। क्या कहा उस्ताद बिस्मिल्ला खान को, भी आप मेहनत करो और यू शैल मेक इट, आप इस क्षेत्र में नाम कमाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, कहाँ पर शुरुआत हुई, इन लखनऊ, लखनऊ में, लखनऊ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। इन 1938, जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, केम बिस्मिल्ला बिग ब्रेक, तो बिस्मिल्ला खान को क्या मिला, एक बड़ा अवसर मिला, बिग ब्रेक, एक बड़ा अवसर मिलना। ही सून बिकेम एन ओपन हार्ट शहनाई प्लेयर, और अक्सर उसको शहनाई प्लेयर बन गया, वो अक्सर उसको सुना जाने लगा, कहाँ सुना जाने लगा, रेडियो पर उसको अक्सर सुना जाने लगा, उसको अक्सर कहाँ सुना जाने लगा, उसको अक्सर रेडियो पर सुना जाने लगा। किसको सुना जाने लगा, उस्ताद बिस्मिल्ला खान को अक्सर रेडियो पर सुना जाने लगा, यानी उसके संगीत को अक्सर रेडियो के ऊपर सुना जाने लगा। तो जो भी बच्चे इसको, इस को वीडियो को देख रहे हैं, अपने इस लेसन को यहाँ से सीख रहे हैं, उन सभी को क्या करना चाहिए, इस चैनल को क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और जो बेल आइकन है उसको भी क्या करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, और इस चैनल को क्या करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए, ताकि ये जो चैनल है आपका मनपसंद चैनल बन जाए। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, तो जब भारत को क्या मिली, आज़ादी मिली, कब मिली आज़ादी भारत को, ऑन 15 अगस्त 1947, तो भारत को आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, तो बिस्मिल्ला खान क्या बने, पहले भारतीय बने। टू ग्रीट द नेशन, जिन्होंने क्या किया, हमारे देश का क्या किया, स्वागत किया, ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई से, विद हिज शहनाई, तो अपनी शहनाई से क्या किया, भारत का स्वागत किया। ही पोर्ड हिज हार्ट, उसने अपना दिल उढ़ेल कर रख दिया, ही पोर्ड हिज हार्ट, पोर्ड का मतलब उढ़ेलना, यानी दिल निकाल करके रख देना। आउट इन टू राग काफ़ी, तो जो उन्होंने राग गाया, राग काफ़ी, तो उसने अपना दिल निकाल करके रख दिया, दिल उढ़ेल कर रख दिया। कहाँ से, फ्रॉम द रेड फोर्ट, अभी लाल किले से। टू एन ऑडियंस, तो श्रोताओं के सामने, सुनने वालों के सामने। विच इंक्लूडेड, तो उसके सुनने वालों में कौन कौन शामिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा अपने प्रसिद्ध भाषण दिया, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, यानी भाग्य के साथ आजमाइश, भाग्य के साथ, डेस्टिनी भाग्य को कहते हैं, ट्राइस्ट का मतलब आजमाइश, यानी भाग्य के साथ जो है, आओ भाग्य के साथ क्या करते हैं, भाग्य को आजमाते हैं, आजमाइश करते हैं। तो ये स्पीच किसने दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, तो उसके सुनने वालों में कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, तो बिस्मिल्ला खान ने बहुत सी यादगार प्रस्तुति दी हैं, बोथ इन इंडिया, भारत में भी, एंड एब्रोड, और पूरे विदेश में भी, यानी दूसरे देशों में भी इन्होंने यादगार प्रस्तुति दी हैं। मेमोरेबल परफॉर्मेंस का मतलब होता है ऐसी प्रस्तुतियों को जिसको याद रखा जा सके। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वाज, उसकी पहली विदेश यात्रा कहाँ की थी, सबसे पहली विदेश यात्रा कहाँ की थी उसकी, टू अफगानिस्तान, सबसे पहली बार वो कहाँ गए थे विदेश में, अफगानिस्तान गए थे। वेहर किंग जहीर, जहाँ का राजा कौन था, जहीर शाह। वाज सो टेकन इन बाई, तो वो इससे इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए, बाई द माइस्ट्रो, तो इस प्रसिद्ध वादक से, बाई द माइस्ट्रो, इस प्रसिद्ध वादक के द्वारा वे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए। डैट गिफ्टेड हिम, उसने उसको क्या दिया, प्राइसलेस, बेस कीमती, जो पर्शियन जो कालीन है, पर्शियन जो कारपेट है, वो किसको दी, बिस्मिल्ला खान को दी। तो जो अफगानिस्तान का जो राजा था किंग जहीर, तो उसने बिस्मिल्ला खान को क्या दिया, प्राइसलेस, यानी बेस कीमती, जिसकी कीमत ही नहीं है कोई, बहुत ही कीमती, बहुत ही मूल्यवान, जो पर्शियन कारपेट, जो पारसी कालीन है, वो उनको दी।
एंड अदर सुवेनियर, अदर सुवेनियर तो अन्य स्मृति चिन्ह भी उसको दिए। सुवेनियर क्या क्या मतलब क्या होता है, स्मृति चिन्ह, तो बहुत सी स्मृति चिन्ह भी उनको दिए। सुवेनियर हम लोग होता है ऐसे स्मृति चिन्ह जिनको क्या कर सकते हैं, याद रखा जा सकता है। सुवेनियर का मतलब है जिसको क्या कर सकते हैं, जिसको याद कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको क्या की दी हैं, तो सुवेनियर का मतलब जिसको याद रखा जा सकता है। द किंग ऑफ अफगानिस्तान, तो जो अफगानिस्तान का राजा था, वाज नॉट द ओनली वन, वही सिर्फ एकमात्र व्यक्ति नहीं था, टू बी फैसिनेटेड, जो उसे मंत्रमुग्ध हुआ हो, जो उसे क्या हुआ हो, आकर्षित हुआ हो, विद बिस्मिल्ला म्यूजिक, बिस्मिल्ला के संगीत से। फिल्म डायरेक्टर, जो फिल्म निर्देशक थे, जिनका नाम क्या था, विजय भट्ट, वाज सो इम्प्रेस्ड, वे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, आफ्टर हियरिंग, उनको सुनने के बाद, उनके संगीत को सुनने के बाद, उनकी सहनाई को सुनने के बाद, किसकी सहनाई को सुनने के बाद, बिस्मिल्ला खान की सहनाई को सुनने के बाद। विजय, इसके बाद है बिस्मिल्ला प्ले एट ए फेस्टिवल, एक त्यौहार में वे गए हुए थे, एक त्यौहार में गए हुए थे, और जब उन्होंने वहाँ पर बिस्मिल्ला खान की सहनाई को सुना तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गए, बहुत ही प्रभावित हो गए। डैट ही नेम्ड ए फिल्म, कि उन्होंने एक फिल्म का नाम उनके संगीत के नाम पर रख दिया। क्या नाम रखा है, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, यानी जो उनका इंस्ट्रूमेंट था, जो उनका वाद्य यंत्र था, तो उस वाद्य यंत्र के नाम पर क्या नाम रख दिया एक फिल्म का, गूंज उठी सहनाई। तो गूंज उठी सहनाई के नाम, गूंज उठी सहनाई एक फिल्म का नाम रख दिया है। किस नाम पर रखा गया था, उनके वाद्य यंत्र के नाम पर। किसके वाद्य यंत्र के नाम पर है, बिस्मिल्ला खान के वाद्य यंत्र यानी सहनाई के नाम पर है। एक फिल्म का नाम किसने रख दिया था, वो विजय भट्ट ने, जो क्या थे, एक फिल्म निर्देशक थे। द फिल्म वाज ए हिट, वो फिल्म बड़ी हिट रही थी, वो फिल्म बड़ी सफल रही थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान कंपोजिशन, और उस फिल्म में बिस्मिल्ला खान ने गीत भी गाया था। बिस्मिल्ला खान ने कौन सा गीत गाया था, दिल का खिलौना हाय टूट गया। तो ये गीत किसने गाया था, बिस्मिल्ला खान ने इस गीत को गाया था। तो टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, तो इस गाने ने पूरे राष्ट्र के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। नेशन वाइड चार्ट बस्टर, चार्ट बस्टर का होता है जो सारे रिकॉर्ड को तोड़ दे, तो इस गाने ने सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, तो इस महान सफलता के बावजूद भी, इन द सेलुलॉयड वर्ल्ड, सेलुलॉयड वर्ल्ड का मतलब होता है सिनेमा जगत, तो सिनेमा जगत में इस महान सफलता के बावजूद भी, बिस्मिल्ला खान वेंचर, तो बिस्मिल्ला खान का जो वेंचर है, जो बिस्मिल्ला खान के जो प्रोजेक्ट थे, इन फिल्मों में म्यूजिक यानी फिल्मों के संगीत में, वर लिमिटेड टू टू, तो वे दो तक ही सीमित रह गए हैं, उनका जो संगीत है वो सिर्फ दो तक ही सीमित रह गया है। विजय भट्ट की एक तो गूंज उठी सहनाई में उन्होंने गाया है, एंड विक्रम श्रीनिवास की जो कन्नड़ वेंचर था, तो उसका नाम क्या था, सनाधि अपन्ना, तो सनाधि अपन्ना में उन्होंने गाया है। तो सिर्फ दो फिल्म जो थी उनमें ही उन्होंने गीत गाए हैं, कौन सी, एक तो गूंज उठी सहनाई और दूसरी क्या है, विक्रम श्रीनिवास की जो कन्नड़ प्रोजेक्ट था, उसका नाम क्या था, सनाधि अपन्ना। तो इन दोनों में ही इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी, इन्होंने गीत गाए थे। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स, यानी मैं समझौता नहीं कर सकता, उन्होंने क्या कहा, बिस्मिल्ला खान ने, आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स, मैं समझौता नहीं कर सकता, विद द आर्टिफिशियलिटी, बनावटीपन से, मैं बनावटीपन से, एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और फिल्म वर्ल्ड के यानी जो फिल्म जगत है उसकी शानो जो शौकत है, ग्लैमर जो चमक है, आर्टिफिशियलिटी जो बनावटीपन है, उसे मैं क्या नहीं कर सकता, मैं समझौता नहीं कर सकता। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स, मैं इसकी शर्तों से समझौता नहीं कर सकता, किसकी शर्तों से, विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, जो फिल्मी जगत है उसके बनावटीपन से और ग्लैमर जो चमक दमक है, इससे मैं समझौता नहीं कर सकता। ही सेज विद एम्फेसिस, और इन बातों को जोर दे करके कहता है, और इस कारण से उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, उनको क्या लगा ये चीज़ें क्या हैं, बनावटी हैं, तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, बिस्मिल्ला खान ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, उसका जो भी जो गीत है वे सिर्फ दो फिल्मों तक ही सीमित रह गए थे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट,
उनको इनाम अवार्ड्स इनामों को कहते हैं, रिकॉग्निशन सम्मान को कहते हैं। केम थिक एंड फास्ट, बड़े ही तेज़ी से उनको मिले। बहुत सारे, थिक होता प्रचुरता में, बहुत सारे एंड फास्ट मतलब तेज़ी से उनको इनाम और सम्मान बहुत ही ज़्यादा मिले और जल्दी जल्दी मिले। बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्ला खान पहले भारतीय बने। टू बी इन्वाइटेड, उन जिनको आमंत्रित किया गया, जिनको बुलाया गया टू परफॉर्म, प्रस्तुति देने के लिए। एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल, जो प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, लिंकन सेंट्रल हॉल। ये लिंकन सेंट्रल हॉल कहाँ पर है? इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है? लिंकन सेंट्रल हॉल है। तो वहाँ पर प्रस्तुति देने के लिए किसको बुलाया गया था? उस्ताद बिस्मिल्ला खान को बुलाया गया। ही आल्सो टुक पार्ट, उसने किस में हिस्सा लिया? इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन, जो संसार की जो प्रदर्शनी लगी हुई थी मॉन्ट्रियल के अंदर। तो मॉन्ट्रियल के अंदर एक सांसारिक प्रदर्शनी लगी हुई थी, कहाँ पर? इन द केन आर्ट फेस्टिवल। तो केन के आर्ट फेस्टिवल में भी, जो संसार की प्रदर्शनी लगी हुई थी, वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया? हिस्सा लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका के ट्रेड फेयर में भी इन्होंने भाग लिया। इन्होंने कहाँ कहाँ भाग लिया? ओसाका के ट्रेड फेयर में इन्होंने भाग लिया, और मॉन्ट्रियल के अंदर जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन लगी हुई थी, जो संसारी प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो वहाँ पर जो केन आर्ट फेस्टिवल चला हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। सो वेल नोन, इतने प्रसिद्ध हुए। डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने बड़ी ही प्रसिद्धि प्राप्त की। दैट एन ऑडिटोरियम, यानी एक सभागार का नाम, कहाँ पर? इन तेहरान, तेहरान के अंदर एक ऑडिटोरियम का नाम, एक सभागृह का नाम वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तो उसके नाम पर एक सभागृह का नाम रख दिया गया। किसके नाम पर? उस्ताद बिस्मिल्ला खान के नाम पर एक ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया। कहाँ पर रख दिया गया? तेहरान के अंदर, जो तेहरान है वहाँ पर एक, जैसे ईरान है, ईरान की राजधानी है अभी तेहरान, तो वहाँ पर क्या हुआ? एक ऑडिटोरियम का नाम किसके नाम पर रखा दिया गया था? उस्ताद बिस्मिल्ला खान के नाम पर, उनकी प्रसिद्धि के नाम पर एक ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया था। तो क्या नाम रखा गया था? तहार मोसी उस्ताद बिस्मिल्ला खान, तो ये नाम उसका रखा गया था ऑडिटोरियम का, तहार मोसीकी, तहार मोसीकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान, तो ये उसे ऑडिटोरियम का नाम रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, तो उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। किसको नवाजा गया? नेशनल अवार्ड से। नेशनल अवार्ड जो राष्ट्रीय स्तर का जो पुरस्कार होता है, क्या पुरस्कार का नाम क्या था? पद्मश्री। तो पद्मश्री से उनको नवाजा गया है। किसको नवाजा गया है? पद्मश्री के से उस्ताद बिस्मिल्ला खान को नवाजा गया है। कब नवाजा गया है? 1961 में। तो 1961 में उनको कौन सा इनाम मिला है? उनको पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण, तो पद्म भूषण के अवार्ड से उनको कब सम्मानित किया गया है? 1968 में। तो 1968 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1968 में, और 1961 में पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया। एंड द पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण उनको कब दिया गया है? 1980 में। वर कॉन्फर्ड ऑन हिम, तो ये सभी इनाम उनको प्रदान किए गए। तो ये इनाम कब प्रदान किए? पद्मश्री कब उनको दिया गया? 1961 में। पद्म भूषण कब उनको दिया गया? 1968 में। और पद्म विभूषण कब उनको दिया गया? 1980 में उनको पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान को भारत के सबसे जो महान जो सम्मान होता है, जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, तो बड़ा जो सिविलियन अवार्ड होता है, जो बड़ा ही नागरिक सम्मान होता है, तो 2001 में भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड, तो विद द कोवेटेड अवार्ड, जिसको प्राप्त करने की इच्छा रहती है, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, जब उसको छाती पर वो अभी मेडल लगाया गया, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, तो उसकी आंखों में क्या थी? अद्भुत चमक थी। रेयर हैप्पीनेस, अद्भुत खुशी। ग्लिंटिंग का मतलब है चमक, उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। ही सैड, उसने क्या कहा? जब उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। तो तब उन्होंने क्या कहा? ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा
टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दो। टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दो। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की सबसे समृद्ध परंपरा है। ये भारत की कैसी परंपरा है? ये भारत की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट, अभी पश्चिम वाले भी, जो पश्चिमी देश हैं वे भी, इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, हमारे संगीत को सीखने के लिए हमारे देश में आ रहे हैं। ये जो पश्चिमी देश हैं वे भी हमारे संगीत को सीखने के लिए हमारे देश में आ रहे हैं। तो अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दो। तो ये बातें कब कही उन्होंने? जब उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तब ये बातें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कही। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार की यात्रा कर लेने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार का भ्रमण कर लेने के बाद, सारे संसार की यात्रा कर लेने के बाद, खान साहब एज ही फोंडली कॉल्ड, जो कि उनको बड़े ही प्यार से इस नाम से पुकारा जाता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को खान साहब के नाम से बड़े ही प्यार से पुकारा जाता है। इज एक्सीडिंगली फोंड ऑफ बनारस, तो बनारस से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। तो बनारस कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश में है, तो उसको बनारस से बहुत ज़्यादा लगाव था। एंड डुमाराव, और डुमाराओं से भी, डुमाराव कहाँ पर है? बिहार में, तो बिहार को भी उनसे, बिहार से भी उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वे उसके लिए क्या हैं? संसार के सबसे अद्भुत कस्बों में से एक हैं। वे उसके लिए क्या है? संसार के सबसे अद्भुत कस्बे हैं। ए स्टूडेंट ऑफ हिज, तो उसका एक शिष्य है। किसका? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का एक शिष्य है। वंस वांटेड हिम टू हैड ए सेनाई स्कूल इन द यूएसए, तो यूएसए के सेनाई स्कूल का हेड उसको बनाना चाहता था। एक बार क्या हुआ, जो उसका एक शिष्य था, जो उसका स्टूडेंट था, वो उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेनाई जो एक स्कूल था उसका मुखिया बनाना चाहता था। प्रोमिस्ड, और उसको ये वायदा किया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, टू रिक्रिएट द एटमोसफेयर ऑफ बनारस, यानी बनारस का वातावरण वहाँ पर स्थापित कर देगा, बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ पर बनारस में जैसा मंदिर बनारस में है वैसा ही मंदिर वो वहाँ भी बनवा देगा। ऐसी बातें उसने कही। बट खान साहब आस्क्ड हिम, इन खान साहब ने उनसे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वो गंगा नदी को भी यहाँ पर ला पाने में सफल हो जाएगा, यानी क्या गंगा नदी को भी आप यहाँ पर ला सकते हो? तो ये बातें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपने शिष्य से पूछी। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में जो कुछ उसने कहा ना, तो वो भी उसको याद है। उसने बाद में क्या कहा था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने? डैट इज़ वाई, यही कारण है, वैन एवर आई एम इन ए फॉरन कंट्री, जब भी मैं विदेश में होता हूँ, वैन एवर जब भी, आई एम इन ए फॉरन कंट्री, जब भी मैं किसी विदेश में होता हूँ, जब भी मैं किसी दूसरे देश में होता हूँ, फॉरन कंट्री का मतलब था विदेश, आई कीप यर्निंग, मैं तड़पता हूँ, यर्निंग तड़पने को कहते हैं, टू सी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को देखने के लिए मैं क्या हूँ? मैं तड़पता हूँ, यानी मेरे को हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा याद आती है, यानी का मतलब तड़पना, याद करना। जब वो विदेश में होता है तो हिंदुस्तान को याद करने के लिए तड़पता है, वाइल इन मुंबई, जब वो मुंबई में होता है, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ। बनारस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो तब जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मेरे को बनारस की याद आती है। एंड द होली गंगा, और पवित्र जो गंगा नदी है मेरे को उसकी याद आती है। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, तो आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमाराओ, तो मेरे को डुमाराओं के जो मठ हैं, तो डुमाराओं के जो अनोखे मठ हैं मैं उनको याद करता हूँ। तो डुमाराओ कहाँ पर है? ये बिहार में है। तो बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये पड़ता है। तो इस तरह से वो अपने भी कितना लगा है उसको डुमाराओ से और बनारस से, वो इन बातों को बताते हैं। कौन बताते हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बताते हैं। तो शेखर गुप्ता कौन है भाई? शेखर गुप्ता क्या है? एक रिपोर्टर थे। तो जो रीडर्स डाइजेस्ट है, तो उसके क्या हैं भाई? एक इंटरव्यू लिया गया किसके द्वारा? रीडर्स डाइजेस्ट जो एक पत्रिका का नाम है, तो उसमें शेखर गुप्ता क्या है? एक रिपोर्टर हैं। तो उन शेखर गुप्ता ने उनको उनका इंटरव्यू लिया। तो शेखर गुप्ता क्या कहते हैं? वैन पार्टीशन हैपन्ड, जब बंटवारा हुआ, वैन पार्टीशन हैपन्ड, यानी जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, जब बंटवारा हुआ,
डिड नॉट यू एंड योर फैमिली, क्या तुम और तुम्हारे परिवार ने थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, भी पाकिस्तान में जाने के बारे में नहीं सोचा? शेखर गुप्ता क्या पूछते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान से, व्हेन पार्टीशन हैपन, जब बंटवारा हुआ, डिड नॉट यू, क्या तुमने एंड योर फैमिली और तुम्हारे परिवार ने थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में जाने के बारे में नहीं सोचा? बिस्मिल्ला खान क्या कहते हैं, गॉड फॉरबिड, भगवान समा करे, भगवान माफ़ करे, निमित मुझे, भगवान लीव बनारस, लीव बनारस, बनारस को छोड़ना, भाई बनारस को छोड़ दूँ, भाई भगवान मेरे को इसके लिए क्षमा करे, नेवर, कभी नहीं हो सकता, मैं बनारस को कभी नहीं छोड़ सकता। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान में गया। आई क्रॉस द बॉर्डर, मैंने अपने बॉर्डर को पार कर लिया, अपने देश के बॉर्डर को। जस्ट टू से, सिर्फ ये कहने के लिए गया था, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान में सिर्फ ये कहने के लिए गया था। क्या कहने के लिए गया था पाकिस्तान में? आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, में वहाँ पर एक घंटा रहा पाकिस्तान में। आई सैड नमस्कार टू द पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान को क्या कहा, मैंने पाकिस्तान को नमस्कार कर दिया, मैंने पाकिस्तान को क्या कहा, नमस्कार। एंड सलाम अलैकुम, और सलाम अलैकुम किसको कहा है, इंडिया को कहा है, टू द इंडियंस, तो इंडियंस को तो मैंने क्या है, सलाम अलैकुम, और पाकिस्तानियों को क्या कहा है, मैंने नमस्कार कहा। आई हैड ए गुड लाफ, तो मैं भाई मेरे को हंसना पड़ा, आई हैड ए गुड लाफ, यानी मैं जोर से हंसा, मेरे को हंसना पड़ा, किसने कहा है, शेखर गुप्ता ने उसकी बातों को सुन करके, भाई शेखर गुप्ता भाई बिस्मिल्ला खान की बातों को सुन करके हंसा। उस्ताद बिस्मिल्ला खान्स लाइफ, तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जो जीवन है, इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल, वो एक सही उदाहरण है ऑफ द रिच एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसमें भारत की जो समृद्ध परंपरा है, जो सांस्कृतिक जो विरासत है, उसके दर्शनों को हम देख सकते हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जो जीवन है, इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल, वो एक सही उदाहरण है ऑफ द रिच, रिच होता समृद्ध, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो भारत की जो सांस्कृतिक जो विरासत है, तो उसका एक सही उदाहरण है। वन डेट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, और जिसको बिना किसी प्रयास के स्वीकार करते हैं। वन डेट यानी कोई भी व्यक्ति, एफर्टलेसली एक्सेप्ट यानी बिना, तो वो व्यक्ति जो है कौन है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, तो बगैर प्रयास के इन बातों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। क्या कहते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने, डेट ए डिवाउट मुस्लिम, यानी मेरे जैसा जो मुसलमान है, लाइक हिम, यानी मेरे जैसा जो क्या है, मुसलमान, जो मुस्लिम है, कैन वेरी नेचुरली, बड़े ही स्वाभाविक तरीके से, प्ले द सहनाई, सहनाई को बजा सकता है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, यानी मेरे जैसा जो पक्का जो मुसलमान है, जो सच्चा मुसलमान है, डिवाउट कहते हैं सच्चा, तो मेरे जैसा सच्चा मुस्लिम जो है, वो हर रोज़ सहनाई को काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कहाँ पड़ता है, भी बनारस में पड़ता है, तो वहाँ पर हर रोज़ सहनाई को बजा सकता है। तो ये लेसन जो है किसके बारे में है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में है। उस्ताद बिस्मिल्ला खान पास्ड अवे, भी उस्ताद बिस्मिल्ला खान की मृत्यु कब हुई है, 21 अगस्त 2006 में, एट द एज ऑफ 90, तो 90 की उम्र में, 90 वर्ष की उम्र में, तो आफ्टर ए प्रोलोंग्ड इलनेस, यानी काफ़ी लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो गई है। ही वाज गिवन ए स्टेट फनरल, तो उसको राज्य का जो फनरल है, जो अंतिम संस्कार है, उनको दिया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मोरिंग, नेशनल मोरिंग का मतलब होता है अभी एक दिन का एक शोक दिवस भी उनको मतलब मनाया गया, उनके उनके सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया। तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान पास्ड अवे, भाई कब मृत्यु हुई उनकी, 21 अगस्त 2006 को, एट द एज ऑफ 90, और उसमें उसकी उम्र कितनी थी, 90 वर्ष उसकी उम्र थी। आफ्टर ए प्रोलोंग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद में, एक लंबे समय तक बीमार रहने के बाद, ही वाज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, तो उसको राज्य का जो अंतिम संस्कार है, जो फ्यूनरल है, उनको दिया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत की जो सरकार थी, डिक्लेयर्ड, उन्होंने क्या घोषित कर दिया, वन डे ऑफ नेशनल मोरिंग, तो एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी भाई देश ने उनके नाम पर घोषित कर दिया था। तो ये थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्ला खान, जो क्या थे, प्रसिद्ध सहनाई
माइस्ट्रो, सेनाई माइस्ट्रो का मतलब होता है सेनाई वादक, माइस्ट्रो का मतलब क्या होता है सेनाई वादक। तो एक प्रसिद्ध क्या थे, सेनाई माइस्ट्रो थे, सेनाई वादक थे। भाई मैं आपसे आशा करता हूँ ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या करना है, इस चैनल को आपने क्या करना है, इस चैनल को सभी बच्चों ने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक भी करना है, और जो बेल आइकन है उसको आपने प्रेस करना है, ताकि सभी जो लेसन जब भी डाला जाए वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।